आपकी समझ महदूद है एक्चुअली, आपकी समझ जब महदूद रखेंगे ना आप कुछ समझ नहीं आएगी, बिकॉज यू यू रिलेट एवरीथिंग टू मटेरियल. स्ट्रेस रिडक्शन की है ये, दिस इज अ कंप्लीट साइंस. और इसमें इसमें आपको पता है कि जो इट इज गॉट टू डू विद मेंटल एंड बॉडी मैनेजमेंट. चलन जी रेकी का किसी बंदे को जरूर बुलाएंगे ताकि ये शेखी साहब की बात सच हो जाए. समथिंग दैट महाराशा महरेश योग महेश योगी वाज डूइंग वे बैक इन द 60s. जो ये बात कर रहे हैं ना राखी की, ही वाज आल्सो डूइंग दिस ट्रांस, पता नहीं क्या बुक्स में है जिनकी मेडिटेशन वगैरह. बहुत बड़ा योगी था वो, सारे जॉन लेनन जॉर्ज हैरिसन मिक जैगर सारे वहाँ पहुँचे हुए थे. उसकी एक आध बुक मैंने पढ़ी, अजीब ही लगी मुझे वो बुक. एनीवेज एक मज़ेदार क्वेश्चन मैंने इनसे ये करना था कि आपकी जो कोई क्रेजीस्ट फैन स्टोरीज आई एम श्योर होगी, जिसमें वो कहती स्टॉकर्स हो जाते हैं, पीछे पीछा करने लगती हैं खवातीन ये हुए, तो आप बताएं कि कौन सी ऐसी आपको याद हो जो आप कभी नहीं भूल सकते और अभी भी हंस पड़ते हैं उस बात पर कि कौन क्रेजीस्ट फैन क्या थी. कौन दो, जब मैं अपनी दूसरी एल्बम कर रहा था 1994 में, तो हमारा पीओ बॉक्स हमें ईएमआई कंपनी ने दिया हुआ था, यू नो फॉर आवर फैन मेल एंड स्टफ, एंड देयर वाज दिस लिटिल गर्ल, शी यूज्ड टू राइट टू मी, एंड हर रोज एक खत आता था पोस्ट में, और करते करते वो बड़ी भी हो गई, एंड शी वाज लिविंग समवेयर इन सैटेलाइट टाउन इन रावलपिंडी. अच्छा. And she kept writing to me, and then she managed to get my email address jab computers wagera aa gaye the, and she kept sending me emails every day. Well, emails would come about every third day, second day. Uske baad slowly finished off. She stopped, most probably, you know, she got married. Got married or gone away. Aur ek aur saath the, wo Malir se aate the. He was working in the telephone department as a supervisor. और वो आके बाहर तीन तीन घंटे मेरे दफ्तर के बाहर लॉबी में बैठा होता था आपसे मिलने के लिए, मैं उनसे मिलने के लिए, और मुझे पियोन आके कहता था जी वो आया हुआ है. मैंने कहा उसको चाय भी पिलाओ. मेरे कितने फैन है ये आपने मुझे बताना है कि आप कितने मेरे क्रेजी फैन है. सर आप बताइए. मेरे तो इतनी ज्यादा स्टोरीज है मुझे आई लॉस्ट ट्रैक ऑफ इट. एक आध कोई ऐसी हो जिसको सोच के, वैसे तो आपको हर चीज को सोच के हंसी आती होगी, लेकिन एक कोई ऐसी फैन जिसको सोच के आपको एक अजीब सा मॉबिट सी एक चीज याद आ रही है, मगर वह उसका बताना सही नहीं होगा मेरे ख्याल में. बता दे. और उसके अलावा जो जो मेरे फैंस हुआ करते थे, बता दे, मेरी ड्रेसिंग करते थे, जो मेरी तरह बाल बनाते थे, जो मेरी तरह बोलना चाहते थे, वो बहुत सारे हैं. मतलब मैं उनके अभी नाम तो खैर नहीं बता देने वाला कोई फैन के तंग ही आ गए होंगे यार, बस कर दो. अपने आप को गाली, वो मुझे फोन तकरीबन कोई 5 साल उसने मुझे फोन किया, मुझे इतना पागल कर दिया उसने कि मैं आप नंबर चेंज करते होंगे उसको दूसरा मिलता, कुछ भी मैं करता था वो पता नहीं कहाँ से नंबर ढूंढ लेता था, और बस वो शेखी साहब मैं आपका फैन शेखी साहब, फिर वही गलत बात फिर वही गलत बात. तो तकरीबन कोई 6 साल मैंने इसको भी बताया था. तो इस तरह के और भी थे, और ख्वातीन की भी मतलब टू मैनी, बिकॉज मेरा पीरियड बहुत ज़्यादा है, इज़ लाइक 35 years शोबिज में. तो और फिर आप स्टड भी थे ना, मसलमैन भी थे. आमिर साहब से हम पूछेंगे उनके क्रेजीस्ट फैन स्टोरी, लेकिन एक फिर से ब्रेक का वक्त आ गया, क्या करें बॉस, ब्रेक तो लेना पड़ता है. टेक अ ब्रेक, वी विल बी राइट बैक. मेरे हैं हजारों फैंस, मगर इनमें से कौन है सबसे बड़ा फैन? अगर आप हैं मेरे सबसे बड़े फैन तो साबित कीजिए, क्या कर सकते हैं आप मेरे लिए, क्या सितारे तोड़कर ला सकते हैं? मेरा सबसे बड़ा फैन बनेगा मेरा सबसे बड़ा हीरो. अपना नाम, अपनी उम्र, अपनी लेटेस्ट तस्वीर, अपने शहर का नाम, फोन नंबर और मुकम्मल एड्रेस ssbf@hum.tv पर ईमेल करें. एंट्रीज भेजने की आखिरी तारीख है.
सावन बरसा आए, भीगे से मौसम में यादों के साए छाए। Brilliant song, one of the good songs. Brilliant, good song. क्यों बनी साहब कह रहे हैं? Because उन्होंने खुद compose किया है. Very nice, जबरदस्त. बहुत अच्छा. और मजे की बात ये है जी, शेखी साहब और सुल्ताना आपा, जो सुल्ताना सिद्दीकी हमारी हम टेलीविजन नेटवर्क की, उन्होंने डायरेक्ट किया है इस गाने को. और आप बड़े अच्छे लग रहे हैं वैसे. आपकी आपकी रिजेंबलेंस शेख साहब से भी, जावेद शेख साहब से भी मिलती है. वो भी उसी दौर के इकट्ठे हैं ना, एक ही जात के लगते हैं. एक ही जात के. अच्छा, एक और एडिशन. आपकी स्टोरी सुननी थी सर. जॉन ट्रेवोल्टा भी. हाँ, जॉन ट्रेवोल्टा भी आने सर. आपकी फैन स्टोरी, क्रेजी फैन स्टोरी. जी बिल्कुल, जिस तरह सब लोगों की होती है इसी तरह मेरी भी बहुत सारी है. लेकिन मैं एक का मुझे बहुत जिंदगी भर उसका वो रहता है. एक फैन थी लड़की इस्लामाबाद से, और वो शायरा भी थी. तो मुझे कहती थी मैं आपको एक गिफ्ट दूंगी, बड़ा बड़ी डिसेंट और बड़ी उस कोई इस तरह की नहीं, लेकिन डीप इनसाइड उसकी थोड़ी सी लाइकिंग थी. वो मुझे बहुत बाद में पता चला. उसने विद द स्पैन ऑफ 10 years के दरमियान एक पूरी बुक बनाई, पूरी बुक शायरी की, पूरी अपनी क्रिएटेड, अपनी सेल्फ शायरी, जो उसने प्रिंट नहीं करवाई. उसने वो कहा कि मैं वो तो मैं अपनी भेज रही हूँ. और जब मैंने पहले तो मैं मजाक समझता रहा, फिर जब वो मेरे पास आई, मैंने पढ़ा, उसमें एक एक सेंटेंस, एक एक वाक्या मेरे से बात करने का या मेरा गाना सुना, तो उसकी क्या फीलिंग थी. फिर उसकी गज़लें, उसकी शायरी, गीत, वो जब मैंने पढ़ा तो मेरे बहुत आंसू आए. उस ज़माने में मैं कोई थोड़ा सा शायद हवाओं में था, तो मैंने इतनी कदर नहीं की. लेकिन आज मुझे वो बड़ा ज़िंदगी भर वो अफसोस है कि मैं उसको एक्नॉलेज नहीं कर सका. और आज मैं टीवी पे उसको एक्नॉलेज कर रहा हूँ कि आई रियली लाइक यू लॉट. और वो जो तुमने जो किया वो जिंदगी में कभी किसी ने किया. बिल्कुल, मेरे पास सामान में पूरी इतनी मोटी पूरी एक बुक है. बिल्कुल टोटल. अगर आप देख रही होंगी इस वक्त, तो अब आमिर सलीम साहब ने फाइनली आपको ये मैसेज दे दिया कि वो आपको पसंद करते हैं. लेकिन बड़ी प्यारी, कितनी मेहनत और बड़ी प्यारी, अनबिलीवेबल के हाथ से लिखी हुई कि आप सोच नहीं सकते कि वो इस तरह लगता था कि जैसे बिल्कुल ये प्रिंटेड हुई है. आई थिंक प्रेशियस है. आई थिंक तो आपके लिए बहुत कीमती वो होगा सर. वक्त अचानक से ख़त्म हो जाता है. जब भी अच्छी बातें मज़ेदार चल रही होती तो वक्त होता है. सब एक मिलके जाने से पहले शेखी साहब का मशहूर तरीन गाना जो तराना है, मैं कहूँगी मैं भी पाकिस्तान हूँ तो भी पाकिस्तान है. और हम लोग वो गाएंगे. लेकिन नहीं नहीं, चला रहे हैं आप, इकट्ठे गाएंगे हम लोग. आप गाएंगे, हम साथ देंगे आपका. थैंक यू सो मच. आपका पहले शुक्रिया अदा कर दूँ. बहुत शुक्रिया आप लोग तशरीफ लाए. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. हम टीवी के बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया, और प्रोड्यूसर और डायरेक्टर और कैमरा स्टाफ, एवरीबॉडी, वी आर वेरी वेरी थैंकफुल. और रैकी मास्टर के साथ फिर इनको भी तकलीफ देंगे कि आपने जरूर आना मस्तूर साहब. और जनाब जाने से पहले आपको ये बताती हूँ, 26 मई से हर थर्सडे को ठीक रात 8 बजे आप देखेंगे हम टीवी की एक ज़बरदस्त सीरियल मस्ताना माही. और अभी एंड पे हम आपको उसका गाना दिखाएंगे, ज़रूर देखिएगा. आई सी यू टुमारो इंशाल्लाह, एंड वील फिनिश द सॉन्ग विद मैं भी पाकिस्तान हूँ. शो चले जी. जी मैं भी मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है. मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है. तू तो मेरी जान है, तू तो मेरी आन है, तू मेरा ईमान है. मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है. मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है. कहती है ये राह अमल, आओ हम सब साथ चलें, मुश्किल हो या आसानी, हाथ में डाले हाथ चलें. कहती है ये राह अमल, आओ हम सब साथ चलें, मुश्किल हो या आसानी, हाथ में डाले हाथ चलें. सूरज है सरहद की जमीन, सूरज है सरहद की जमीन, चांद बलोचिस्तान है. मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है. मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है. धड़कन है पंजाब अगर, धड़कन है पंजाब अगर, धड़कन है पंजाब अगर, दिल अपना मेहरान है.
भी पाकिस्तान हूँ तू भी पाकिस्तान है, मैं भी पाकिस्तान हूँ तू भी पाकिस्तान है, मैं भी पाकिस्तान हूँ तू भी पाकिस्तान है, मैं भी पाकिस्तान हूँ। जिंदगी सामने आई तो न लब खोल पाया ना मैं उसे कह सका जो दिल में था, उसकी मासूम आँखों में जो बसा प्यार था मेरे लिए उसे नाम क्या देता भला, मैं था है